राजस्थान में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 जिले के डीएम रह चुके इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर लिया है। राव पर पेट्रोल पंप के मामले में घूस लेने का आरोप लगा था, जिसमें जांच के बाद एसीबी ने बुधवार को राव को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कोटा टीम द्वारा ट्रैप आयोजित कर परिवादी गोविंद सिंह की उनके पेट्रोल पंप की लीज आवंटन के नवीनीकरण हेतु भूमि संपरिवर्तन एवं एनओसी जारी करने के नाम पर जिला कलेक्टर के पीए महावीर प्रसाद नागर को 1,40,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। घूसकांड में तत्कालीन 12 कलेक्टर इंद्र सिंह राव की भूमिका संदिग्ध होने पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया गया था। साथ ही एसीबी ने मामला दर्ज कर अतिरिक्त महानिदेशक एमएन दिनेश के सुपरविजन में अनुसंधान अधिकारी चंद्रप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर जांच शुरू की। घूसकांड मामले में तत्कालीन जिला कलेक्टर इंद्र राव के विरुद्ध उनकी भूमिका के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर बुधवार को इंद्र सिंह राव को मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के साथ ही पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। 12 के डीएम रह चुके इंद्र सिंह राव अपने 31 साल के प्रशासनिक सेवा के कार्यकाल में 6 बार एपीओ और 1 बार सस्पेंड हो चुके हैं। राव ने सर्विस की शुरुआत ट्रेनिंग के बाद 11 मई 1990 को हनुमानगढ़ विकास अधिकारी के पद से की थी। अब तक 46 जगहों पर पोस्टिंग पर रह चुके प्रमोटी आईएएस इंद्र सिंह को राज्य सरकार ने 25 दिसंबर 2018 को 12 जिले का कलेक्टर बनाया था। इंद्र सिंह आरएएस अफसर थे, लेकिन बाद में प्रमोशन से आईएएस बने। इंद्र सिंह कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। राव पर 6ठी बार कार्रवाई की गई है। इंद्र सिंह राव कलेक्टर बनने से पहले रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के सदस्य थे। राजस्थान तक के लिए 12 से राम मेहता की रिपोर्ट।